place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for that. क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंडशिप को लेके? क्या कहना चाहोगे कि एक स्पेशल फ्रेंड जब इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करके काफी हैप्पीनेस होती है अंदर से, आपकी क्या फीलिंग है इसको लेके? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ये पानी ऑफर कर दी है. हर चीज में खुद इन्वॉल्व हुए, आई एम वेरी हैप्पी. एंड उनके साथ तो फिर पार्टी करने के रीजन तो हमें मिलते हैं. बिल्कुल, आज की पार्टी मेरी तरफ से. मैं शादी करने की भी बहुत सारी बातें चल रही है. क्या कुछ आप कहना चाहेंगे के लिए? Because they are like very excited to know about it. Well, मैंने बोला शादी आजकल outdated है. जो भी शादी करा था वो पछताते ही. तो हम दोनों पछताना नहीं चाहते, हम अपने enjoy कर रहे हैं, life enjoy कर रहे हैं. I'm sure कि आने वाले time में हम देखेंगे future में करना क्या है. But फिलहाल she is very busy. जब से September जीती है उसके बाद I think हमें date करने का भी मौका नहीं मिलता. Because back to back हमारे shoots भी हैं. बट आज का दिन स्पेशल, मैंने बोला यानी आज तो हम कोई काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ आज पूरा दिन इनका सिर्फ. पर आप इस तरह शो को प्यार मिला सर जी, हम मैं मीका दी वोटी और वोटी हमारे साथ सामने जी, मीका दी वोटी. क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, लोगों आपको भाई मानते और भाभी जी को जिस तरह एक्सेप्ट किया है, काफी खुशी होती है सर. आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान ने ये शो को बहुत पसंद किया. एंड शो में अच्छा फॉर्मेट था, काफ़ी और भी दर्शन आए थे. बट एज यू नो मुझे आकांक्षा शुरू से बहुत पसंद थी और इसने जो वहाँ पे आके एंट्री मारी है, ये हमारे साथ एंट्री जिससे मैं बहुत एक हैरान और परेशान हो गया. बिकॉज क्या होता है कि ऑलरेडी आकांक्षा का बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी इसके व्यूअर्स भी हैं. तो एज ए कंटेस्टेंट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाकी गर्ल्स के साथ. बट शी डिड मुझे नहीं लगता. स्पेशली मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री ने तो इनिशिएटिव लिया है. जब अब वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही है, बड़े आप भाई कोई भी मूवी लें, आजकल हीरो हीरोइन वाली बात नहीं होती. मुझे लगता है स्क्रिप्ट ही आपका हीरो है. आपको और आपकी बोटियों को साथ में एक नया प्रोजेक्ट में देखेंगे. बहुत बहुत चर्चा 29 को जो प्रोजेक्ट है उसमें पक्का नाम भी है. क्या कहना चाहोगे? एक गाना स्पेशल सेक्शन में पढ़ रहा था, एक गाना स्पेशल हमारा रहा है जी. अभी सरप्राइज है और बहुत अच्छा सरप्राइज. अच्छा गाना होपली वो जल्दी आने वाला है. आई एम श्योर आपको गाना चाहिए क्योंकि जब कुछ पहला करेंगे तो वो धमाकेदार तो होगा. बिल्कुल. दिल जहाँ सरप्राइज की बात आती है